नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने मुंबई की कोलाबा पुलिस को इसके बाबत जानकारी दी है। उन्हें पिछले 3 दिनों से लगातार फोन और व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। मणिपुर में इस समय हालात अच्छे नहीं है। राज्य में 3 मई को शुरू हुई हिंसा की आग आज तक धधक रही है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। शांति स्थापित करने की लाख कोशिश की गई लेकिन स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। वहीं इसी बीच हिंसाग्रस्त मणिपुर में महिला कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा बलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेल में सलाखों के पीछे बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सनसनीखेज खुलासा किया है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि नेता और बिजनेसमैन उसे धमकी भरे कॉल करने के बदले खुद पैसे देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नेता और बिजनेसमैन को पुलिस सुरक्षा मिल सके। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले दिनों 22 जून को बीएमसी ने शिवसेना की 40 साल पुरानी शाखा को ध्वस्त कर दिया। उधर गुट के शिवसेना की यह शाखा बांद्रा के पास बनी हुई थी। 40 साल पुरानी शिवसेना की शाखा पर बुलडोजर की कार्रवाई और तोड़फोड़ किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं शिवसेना की शाखा पर हथौड़ा चलाने वाले बीएमसी के अधिकारी के साथ सोमवार को मारपीट की गई। यह मारपीट पुलिस और वार्ड ऑफिसर के सामने हुई। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली में आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। यह रैली महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में शनिवार को हुई। जब वंश बुलडाना में ओवैसी बोल रहे थे तभी रैली में औरंगजेब के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में रविवार को जमकर बारिश हुई। इस दौरान कई जगहों पर भूस्खलन और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग जख्मी हो गए। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मोटर मार्ग पर भूस्खलन के मलबे की चपट में एक वाहन आ गया। वाहन पर मलबा गिरने से उसमें बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिग बॉस 16 के साथ कलर्स टीवी के खतरों के खिलाड़ी 13 में बतौर गेस्ट शामिल होने के बाद अब अब्दुल रोजिक हिंदी टीवी सीरियल में बतौर एक्टर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। तजाकिस्तानी सिंगर जल्द ही प्यार का पहला नाम राधा मोहन में अपनी एंट्री करेंगे। अपने बेहतरीन कॉमेडी के जरिए सोशल मीडिया और लोगों के दिलों पर छाने वाले चाइल्ड कॉमेडियन देवराज परेला भी दुनिया में नहीं रहे। रिपोर्ट्स की माने तो रायपुर जाते हुए एक ट्रक ने उनके बाइक को टक्कर मारी। इस घटना में देवराज को अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्थ से पश्चिम और दक्षिण भारत तक सब्जियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां टमाटर के दाम 100 रुपए के पार चले गए वहीं दूसरी ओर भिंडी टिंडा बैंगन और बाकी सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत ज्यादा पेंशन के दावेदारों के लिए राहत की खबर है। अगर ऐसे योग्य कर्मचारी 26 जून की आखिरी तारीख तक ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो अब उनके पास 15 दिन का समय और है। ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। एनबीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।